हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस आर्टिकल 17 दैट इज फोर्थ इन राइट टू इक्वालिटी राइट सो देर आर फाइव आर्टिकल्स एक्चुअली दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट फॉर्म्स राइट टू इक्वालिटी स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 राइट सो वी ऑलरेडी हैव डिस्कस थ्री अदर आर्टिकल दैट इज आर्टिकल फोर्टीन आर्टिकल फिफ्टीन एंड आर्टिकल सिक्सटीन सो इन केस अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा एंड यू कैन वॉच दोज थ्री Coming back to Article 17. So, Article 17 deals mainly with abolition of untouchability. So, let us move to the next slide and let us see what Article 17 reads. So, here you on the screen, you can see that it reads abolition of untouchability and its practice in any form shall be an offense and should be punishable in accordance with the law right so we can divide it in two parts the first part we can call that it abolishes untouchability right or it suggests to abolish the untouchability and second part would be that its practice in any form shall be an offense punishable in accordance with law but the problem is that ye untouchability is your word a constitution be defined Right. so let us take two or three real life example and let us try to understand or evolve our understanding about that what is untouchability and what cannot be called untouchability right

ऑस्ट्रेसाइज सो दे कैन नॉट सीक रिफ्यूज ऑफ आर्टिकल थर्टी टू साइटिंग की मेरे आर्टिकल सेवनटीन का वॉयलेसन हुआ है एंड आई एम नाउ बींग कंसिडर्ड अनबल राइट ऑल दो दिस इज इलीगल दिस ऑस्ट्रेसाइजेशन इज इलीगल बट द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल सेवनटीन इज नॉट अवेलेबल टू दिस फैमिली अंडर दिस केस एटलीस्ट राइट बिकॉज अन टचचेबिलिटी तब होता जब कास्ट लाइन्स पे उनके साथ कुछ ऐसा होता बट दैट विलेज इज नॉट प्रैक्टिसिंग दैट अनटचेबिलिटी एज सच राइट सो आई होप आपकी एक अंडरस्टैंडिंग एक एस्पेक्ट पे अंडरस्टैंडिंग जो है वो डिवेलप हो गई है लेट अस टेक अनदर एग्जैंपल सपोज एक फैमिली है एक विलेज है सॉरी राइट उसमें कोलेरा राइट right? है जा जिसको हिंदी में बोलते हैं कोलेरा डिवेलप हो गया है एंड एल्डर्स डिसाइड uh, कि इस फैमिली को जो है ये गांव से बाहर भेज दो राइट अगेन इन दिस केस दिस फैमिली और ग्रुप ऑफ फैमिली बिलोंग्स टू ट्रेडिशनल अन बट अगेन वो सोशल ऑर्डर के पार्ट थे राइट इट इज ओनली ऑन अकाउंट ऑफ दिस कोलेरा बिकॉज कोलेरा में क्या है इट इज अंटेजियस डिजीज राइट दट दे आर बींग आस्ट टू स्टे आउट ऑफ द विलेज कि हम आपके टच में नहीं आना चाहते Now, can they, this group of uh, family, claim protection under Article 17? Can they be called untouchables? No, the answer is no, right? Because again, this village is untouchability as such practice, kar tha. it is only on account of this contagious disease that they are being asked to abandon the village.

राइट सो आई होप आपकी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग जो है वो डिवेलप हो गई होगी आर्टिकल 17 मीन अनटचेबिलिटी के बारे में बट आर अंडरस्टैंडिंग कैन नॉट बी कॉल्ड प्रीमाइस ऑफ अनटचेबिलिटी सो मैसूरू हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया एंड देयर जजमेंट वाज देयर इंटरप्रिटेशन ऑन अनटचेबल्स दैट एनी प्रैक्टिस दैट डिराइड्स डिप्रेस्ड क्लास ऑन अकाउंट ऑफ देयर बर्थ एंड डिसेबल्स देम फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन टू सोशल फंक्शनिंग विल बी कॉल्ड अनटचेबिलिटी राइट सो दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ मैसूर अबाउट अनटचेबिलिटी राइट एंड दिस इंटरप्रिटेशन वी हैव बिन कंटिन्यूइंग राइट right? सो so, इसने एक और बात कही कि हम लोग अन हेयर इफ यू कैड नोटिस राइट अनटचेबिलिटी को इन्वर्टेड कॉमा में रखा गया है एंड द मीनिंग ऑफ कीपिंग इट इन इन्वर्टेड कॉमा इज कि हम इसका लिटेरल मीनिंग नहीं लेंगे अनटचेबिलिटी का लिटेरल और ग्रामेटिकल मीनिंग नहीं लेंगे लिटेरल मीनिंग ऑफ अनटचेबिलिटी व्हाट वुड बी द लिटेरल मीनिंग कि मैं अगर आपको टच करने से मना कर दूं राइट दैट वुड बी कॉल्ड अनटचेबिलिटी दैट वुड बी द लिटेरल मीनिंग राइट right? बट अगर मैं आपको सिर्फ किसी अकाउंट पे छूने से मना कर दू यू कैन नॉट ड्रैग मी टू द सुप्रीम कोर्ट साइटिंग वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 17 राइट बिकॉज अनटचेबिलिटी हैज अ हिस्टोरिकल डिवेलपमेंट ऑन लाइंस ऑफ कास्ट राइट सो दैट्स व्हाई दिस कोर्ट सेड कि अनटचेबिलिटी का लिटेरल और ग्रामेटिकल मीनिंग नहीं देखना है हमें हमें यह देखना है कि हिस्टोरिकली किस तरह से डिवेल्प हुई है एंड हिस्टोरिकली यू विल सी कि कास्ट के बेसिस पे ये डिवेल्प हुई है राइट सो आई होप अनटचेबिलिटी का अब जो मीनिंग है आपको क्लियर हो गया होगा मैं स्क्रीन से हट रहा हूं ताकि यू कैन रीड इट Now we are moving to second part, and the second part reads: It shall be an offence punishable in accordance with the laws. Right? So, इनको execute करने के लिए, इनको offence बनाने के लिए जिन laws की जरूरत है, who will bring these laws? Parliament will bring these laws. See, understand uh fundamental rights which are self-executionary, and there are certain fundamental rights which are not self-executionary. What is the meaning of executionary and non-executionary? See, there are fundamental rights. जिनके इंप्लीमेंटेशन के लिए किसी सेपरेट लॉ की जरूरत नहीं है बट देन देर आर सम फंडामेंटल राइट्स लाइक आर्टिकल 17, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24, फोर जिनके एग्जीक्यूशन के लिए सेपरेट लॉ की जरूरत मतलब जिनको ऑफेंस अगर डिक्लेयर किया गया है तो उनके लिए एक सेपरेट लॉ की जरूरत पड़ेगी एंड दैट सेपरेट लॉ विल बी ब्रॉट आउट ब्रॉट अप बाई पार्लियामेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पार गिवन एक्सटेंडेड टू पार्लियामेंट इन आर्टिकल थर्टी फाइव राइट सो आर्टिकल 35 क्या है वो आर्टिकल 35 आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा आप इस वीडियो को पॉज करके उसको रीड कर सकते हैं द एसेंस आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू राइट कि किसी भी फंडामेंटल राइट right के लिए जो कि सेल्फ एग्जीक्यूशनरी नहीं है अगर लॉ बनाने की जरूरत पड़ती है तो लॉ बनाने की पार हैज बिन गिवन टू हैज बिन एक्सटेंडेड टू पार्लियामेंट

सो आर्टिकल थर्टी फाइव के अंडर अपने पार को एक्सरसाइज करते हुए राइट यू विल सी कि पार्लियामेंट कुछ लॉज लाती है एंड हेयर आर दोज लॉज राइट द फर्स्ट लॉ वॉज अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट नाइनटीन फिफ्टी फाइव देर आफ्टर उसके जो स्कोप को और बढ़ाया गया उसके प्रोविजन को और स्ट्रिंजेंट किया गया इन द सेम ईयर एंड यू विल सी की प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट नाइनटीन फिफ्टी फाइव आता है देर आफ्टर इन नाइनटीन एटी नाइन राइट प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट नाइनटीन एटी नाइन आता है सो रिसेंटली यू विल सी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट का डायलूशन हुआ था बाई सुप्रीम कोर्ट बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया था इस लॉ में एक चेंज लाने को एंड द चेंज सजेस्टेड बाई सुप्रीम कोर्ट वॉज कि Uh, एकदम से अरेस्ट नहीं करना है अगर किसी के अगेंस्ट एस सी एस टी एक्ट में मीन्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट में अगर कोई कंप्लेन आती है तो इमीडिएट अरेस्ट वॉज uh, प्रोविजन अर्लियर राइट सो so, एस सी सजेस्ट करता है कि पहले एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करें राइट एक लेवल का ऑफिसर एंड देयर आफ्टर अगर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में अगर फाउंड वो गिल्टी होता है वो पार्लियामेंट right? right? uh, आप देखोगे कि अमेंडमेंट लाती है एंड फिर से जो पहले वाला जो कंडीशन था प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट नाइनटीन का तो उसे रिस्टोर करती है सो दिस इज हाउ दीज एक्ट्स राइट Uh, that parliament has created for the protection of uh, weaker community like SCST and untouchable, this is how it has evolved, right. The next is that this article or this right is available against the actions of state as well as individuals.

राइट देन अगर आप ट्रेडिशनली जस्टिफाई भी करते हो इस चीज को अनटचचेबिलिटी को ऑन रिलीजियस ग्राउंड और सम ट्रेडिशनल ग्राउंड देन अगेन यू विल बी वायलेटिंग आर्टिकल 17 ऑफ सम वन राइट सो दैट विल बी कंसीडर्ड वायलेशन ऑफ आर्टिकल देर आफ्टर अगर आप शॉप में इवन प्राइवेट शॉप में अगर एंट्री को मना करते हो बिकॉज शॉप्स डज हैव अ पब्लिक नेचर तो प्राइवेट शॉप्स भी है या होटल्स है राइट या प्लेस ऑफ वर्शिप है अगर आप मना करते हो या कोई इंस्टीट्यूशन मना करता है राइट दैट विल बी कंसिडर्ड वेशन ऑफ सेवनटीन सो इस तरह से ये सारे आर्टिकल्स हैं राइट ये ज्यादा मुश्किल नहीं है यू कैन सिम्पली रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट राइट सो आई होप आर्टिकल सेवनटीन के जो सारे प्रोविजन है आपको क्लैरिटी आ गई होगी इफ़ यू स्टिल हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज लेट मी नो इन टू द कमेंट सेक्शन आई एल बी हैप्पी टू हेल्प Thanks thanks a lot